Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के मेरे आज की फिर ब्रांड न्यू वीडियो। आज का वीडियो लाइफ आपके न्यू अपडेट के ऊपर होने वाला है, जिसमें ए टू जेड मतलब आपको तो पता है कि हर 15 दिन में अपडेट आते हैं, तो कुछ न्यू फीचर्स इन्होंने ऐड कर देते, तो उसके बारे में सारी नॉलेज दे देता हूँ कि क्या क्या न्यू अपडेट में एडेड हुए हैं, क्या क्या आप लोग को न्यू फैसिलिटी, क्या न्यू ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलते हैं, वही सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से बंदे इस बात से अनजान रहते हैं कि क्या क्या न्यू अपडेट में चेंजेस हुए या क्या क्या बदलाव हुए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग जो चेंजेस से बात करने वाले हैं वो गाइज हम लोग क्लैश मतलब सुपर क्लैश के ऊपर बात करने वाले, जो कि सुपर लैंड के ऊपर है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जाने के बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी जो अभी सीजन 2 चल रहा है, लाइक अभी जो सुपर क्लैश यहाँ पे चल रहा है, सुपर क्लैश बोल सकते हैं जो स्नो आइलैंड सेंटर लैंड जो हम लोग का चल रहा है, तो उसका भी मतलब वार जो है 2 चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन गाइज 13 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, जो कि सीजन 3 के नाम से जाना जाएगा, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना गाइज। फिलहाल इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकेंड इन्फॉर्मेशन में, कि सेकेंड इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना गाइज कि आप लोग को जो ट्रेनिंग अरेना है गाइज, तो ट्रेनिंग अरेना में कुछ यहाँ पे चेंजेस ये लोग किए हैं, जैसे कि अभी सीजन 1 चल रहा है तो सीजन 2 में आप लोग को रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं, प्लस में आप जो टास्क फोर्स एस में आप लोग पहुंचेगा तो यहाँ पे फ्री आउटफिट भी देखने को मिल जाता है, और भी काफी सारे चेंजेस किए गए, जो कि आप लोग को मैच मैकिंग में आप लोग का जो कम्पिटिटिव प्लेयर होगा वो आपका मैचिंग में इक्वल होगा, जो कि अपोजिट भी हो मतलब अपोनेंट भी होगा, तो वो सारी चीजें इसमें सेट किए। बढ़ते गाइज अपने नेक्स्ट अपडेट को देख लेते क्या चीज। यहाँ पे लुक वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में आप लोग को इंटर कीज का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इंटर कीज में हम लोग को फटाफट यहाँ पे देख लेते गाइज एक नया ऑप्शन ऐड किया गया, लाइक हम लोग कोई सा भी आउटफिट को मतलब आउटफिट को अगर सर्च करते या फिर उसको हम लोग पहनने की कोशिश करते मतलब उसको बहुत ड्रैग ड्रॉन करना पड़ जाता है, तो यहाँ पे आप लोग सर्च करके इजी जैसे आप लोग एक क्लिक में फाइंड कर सकते हो, और मतलब जरूरी नहीं कि उसका पूरा नाम ही लिखे, शुरू का एक आक वर्ड आप लोग लिख दो जो भी जान रहे हो, तो वो इजी हो जाती है आप लोग को सर्च करने में। जैसे फार यहाँ पे सेल मैसेज कर रहा हूँ मतलब सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसमें मतलब मॉल वाले सेक्शन है पार्सल नाम का आप लोग का, कि जितना भी ये चीज़ रहेगा आप लोग को वहाँ पे सारा चीज़ शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीथिंग आप लोग यहाँ पे देख लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग डुओ ट्रेनिंग में भी ये परेशानी आप लोग को आती हुई, कोई आउटफिट आप लोग को वियर करने के लिए बोल देता है, तो वो चीज़ आप लोग को वहाँ पे थोड़ा सी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है सर्च करने में। तो गाइस ये एक बहुत ही अच्छा मतलब अपडेट रहा गाइस। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर में यहाँ पे देख लो गाइस, जैसे मैंने पार्सल सेट को वियर किया तो यहाँ पे इसका इमोट वगैरह चलने लगता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो इमोट है वो बैकग्राउंड में चलने लगता है, तो बेसिकली ये चलेगा ही। और पहले क्या था कि हम लोग हेड भी पहनते थे तो इमोट स्टार्ट मतलब हो जाती थी, या बैकपैक भी पहनते थे तो इमोट स्टार्ट हो जाती थी, बट अब हेड एंड आपको बैकपैक और भी अदर चीज आप लोग पहनोगे तो आप लोग को इमोट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ये सब गाइस फालतू था, मतलब जो भी अपडेट में न्यू इन्फॉर्मेशन रहती है मैं दे देता हूँ ताकि एक भी मिस नहीं करूँ, ठीक है। ये सब काम की चीजें वैसे तो है नहीं, बट काम की चीजें इसमें बहुत ही आगे होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो गाइस कि अगर बैकपैक वाले में जाते हो तो यहाँ पे आप लोग को हाइड द गन बोथ साइड ऑफ बैकपैक, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है गाइस, कि पहले क्या था कि आप लोग जो गन टांगे हुए रहते थे वो पीछे बैक के साइड में आप लोग को दिखता था कि कौन कौन सा गन आप लोग कैरी कर रहे हो, तो वो चीज अब यहाँ पे शो नहीं होगा। आप लोग एक क्लिक में मतलब यहाँ पे बैकपैक वाले सेक्शन में जाकर वहाँ से अंटी कैंटी कर सकते हो एज यू वॉन्ट, अगर जैसा आप लोग करना चाहते हो तो वो थोड़ा सा कैरेक्टर का लुक अच्छा बना देता है, थोड़ा सा दौड़ने वोड़ने में भी अच्छा लगता है कि कोई गन कैरी नहीं कर रहा है ऐसी दौड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप लोग देख लेना गाइस क्या यहाँ पे कुछ न्यू स्कल्पचर को ऐड किया गया। स्कल्पचर बोले तो यहाँ पे आप लोग को पुतला वगैरह जो कि राक्षस या फिर जो भी बोल सकते हैं क्रिएचर वगैरह का जो पुतला रहता है वो चीज़ आप लोग को देखने वाला है। इस चीज़ को कैसे आप लोग देख पाओगे कि न्यू जो एडेड हुए वो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग फर्नीचर शॉप में आ जाना, बेसिकली फर्नीचर शॉप में इसका बेस मिलने वाला, जो कि हम लोग जो डेकोरेट करते लाइक घर को हम लोग सजाने में उस मतलब उस क्रिएचर को हम लोग रखते हैं, तो वो चीज़ आप लोग का बेसमेंट जो है वो यहाँ से मिलने वाले। आप लोग यहाँ पे आ जाना, इस एमपीसी से बात करने के बाद यहाँ पे देख लो गाइस आप लोग को तरह तरह के यहाँ पे ग्लोरियस डे, यहाँ पे वाइल्डर क्रिएचर, यहाँ पे सारा कुछ स्कल्पचर का बेसमेंट यहाँ पे बेस देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग अपने मैनर पे लगाओगे तभी उस स्टैचू को मतलब बोले तो उस स्कल्पचर को आप लोग उस पर रख सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ और मैं इसमें बताता चलूंगा कि जो आप लोग को स्कल्पचर डेली ऑपरेशन करने में मिलेगा मतलब एरिया ऑपरेशन करने में, यहाँ पे देख लेना गाइस कि एरिया ऑपरेशन में आप लोग को तरह तरह का स्कल्पचर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपका लक अच्छा रहा तो आप लोग को जो फाइनल बॉक्स रहता है ओपन मतलब करने वाला लास्ट बॉक्स, तो उसमें
आप लोग को ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल अगर वो चीज आप लोग को मिलती है, आप ट्रेड सिटी में फटाक से उसको सेल आउट भी कर सकते हो, इसका रेट भी आप लोग को मिल जाएगा। और जो भी अपना मैनर्स डेकोरेट करते हैं वो बंदे इन सबको बहुत ही ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, ठीक है। तो अभी देख लो गाइस, यहाँ पे आप अगर आते हो यहाँ पे भी तरह तरह का आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग को मिलता है आप लोग भी यहाँ पे ट्रेड सिटी में लगा सकते हो और आप गोल्ड अर्निंग कर सकते हो। लाइक मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, अगर मैनर पे सजाना चाहते हो तो पहले नीचे आपको इस तरह का बेस रखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आप लोग को स्केल्चर को यहाँ पे डेकोरेट कर देना, जिस एंगल से भी आप लोग रखना चाहो तो वो चीज आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। तो ये एक ब्यूटीफुल लगा गाइस, इसमें न्यू स्केल्चर ऐड किया गया। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पे हाउस होल्ड ग्रिड में आप लोग को दिखा दूँ कि यहाँ पे आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे जो इंटरफेस है बहुत ही अच्छा चेंज करके बना दिया गया। लाइक यहाँ पे अभी आप लोग देख लो कि यहाँ पे सारा चीज मतलब उस फूड में कितना कितना एट्रीब्यूट्स ऐड है, मतलब इंक्रीज लॉग इन फिशिंग वगैरह हेम्पिंग या फिर पिकिंग गैदरिंग, मतलब सब सारा चीज यहाँ पे शो मतलब होने वाला है कि कौन सा फूड किस कैटेगरीज का है। और एक बात और कि यहाँ पे आप लोग फिल्टर में जा करके आप लोग जिस तरह का फूड बनाना चाहते हो, लाइक अभी आप पत्थर तोड़ने जा रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे माइनिंग वाला फूड चाहिए या फिर लॉग इन वाला फूड चाहिए, तो यहाँ पर से आप लोग व्हाट्स ऐप करके देख सकते हो कि कौन कौन सा फूड अवेलेबल है और कौन कौन सा फूड मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। और बाय द वे यहाँ पे आप लोग सर्च करके भी सर्च कर सकते हो, लाइक अगर आपको उसका नाम पता है तो आप लोग सर्च कर लेना फूड का, वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड अपडेट पे चलते, तो सेकेंड अपडेट में यहाँ पे जो आप लोग को गियर वर्क स्टेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो गियर वर्क स्टेशन में ये तो सिंपल है, इसमें आई थिंक ये पहले था या नहीं था पता नहीं, यहाँ पे आप लोग को अटैक पावर तो होने वाला है, लेकिन जैसे आप लोग स्किन चेंज करते हो तो अटैक पावर यहाँ पे चेंज होते चले जाएंगे। तो आप लोग को इससे पता चल जाएगा कि कौन से स्किन में कितना अटैक पावर हमको मिलेगा गन बनाने में। तो ये चीज़ एक बेस्ट बेटर लगा कि लोग पहले अटैक पावर था नहीं शो कर रहे थे, अभी शो कर रहे। इसी तरह आप लोग को आर्मर में भी यहाँ पे आ जाना है, आर्मर में भी आप लोग को आर्मर पॉइंट यहाँ पे देख लो मतलब बता रहा है। आप जैसे जैसे आर्मर को चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे फ्लेम आर्मर है तो 73 एंड डाउन में 72-71 ऐसा करके आप लोग को शो होने वाला है ये चीज़। एक और चीज़ आपको अपडेट में मैं बताता चलूँ कि आप लोग वर्क स्टेशन में एक और यहाँ पे बटन को ऐड किया गया, शायद पहले से था आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग केजी को मॉडिफाई किया या फिर कोई सा भी गन को बनाना चाहते हो या फिर वो मॉडिफाइड है, तो यहाँ पे ऊपर में एक आई का बटन दिया गया। आई का बटन में आप लोग ए टू जेड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो भी आप लोग का एट्रीब्यूट्स उस गन में अवेलेबल है या फिर वहाँ पे स्टेडिनियस या फिर जो कुछ भी अवेलेबल है वो सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये ऑप्शन पहले नहीं था गाइस कि एट्रीब्यूट्स हम लोग चेकआउट कर पाते थे, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बेस्ट लगा कि आप लोग जो भी मॉडिफाइड करने वो चीज होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस कि अगर आप लोग होप 101 में या फिर सिटी ऑफ चाउज में आप लोग रहते थे रेवेनेंट के रूप में, तो आप लोग कोई भी टीम को ज्वाइन करते थे लाइक एरिया ऑपरेशन के लिए, तो आप लोग को जो कॉल करती थी टीममेट मतलब कॉल करता था टीममेट, तो आप लोग को कॉल नहीं आ पाता था होप 101 में। आप लोग को बोलता था कि आप लोग कैंप में रहो या फिर कोई अदर मैप में रहो तभी आप लोग को कॉल कर पाएंगे। तो ये एक इशू फिक्स कर दिया गया कि गाइज आप लोग किसी भी मैप में रहो आप लोग को कॉल मिल जाएगा। और यहाँ पे फिलहाल बात करें तो होप 101 में था और यहाँ पे सिटी ऑफ चार्ज में भी रहते हो, इसके अंदर जो अभी रेवेनेंट के रूप में होंगे तो उनको ये फायदा होगा कि रेवेनेंट बेस में आप लोग को ये कॉल का ऑप्शन नहीं देता था। तो ये वाला अपडेट के बाद आप लोग को फटाफट आप लोग कहीं से भी कॉल करके आप लोग एरिया ऑपरेशन के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो, रेडी हो सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे लेविन डाउन डिस्ट्रिक्ट में बात करें गाइस, तो जो रेवेनेंट होती है आप का एरिया ऑपरेशन मतलब सॉरी एरिया ऑपरेशन बोल रहा हूँ, यहाँ का असिस्टेंट को इस कंप्लीट नहीं कर पाते थे जिसके वजह से उनको टिकट स्टर्ब नहीं मिल पाता था। तो टिकट स्टर्ब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, मतलब कोई सा भी कुछ भी प्ले करने के लिए या फिर खेलने के लिए या फिर कुछ बाय करने के लिए एनपीसी से, तो वो चीज़ अभी उनको नहीं मिल रहा। तो बेसिकली वो उसको लेना कहाँ से वो मैं आप लोगों को जरूर से मेंशन कर देना चाहता हूँ कि आप लोग को टिकट स्टर्ब कहाँ कहाँ से मिलने वाले। तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख लेना, ये वाला जो सोडा मशीन होता है ये आप लोग को हर जगह दिखने वाली। तो सोडा मशीन को यूज़ कर लेना, यहाँ पे स्पेशल आइटम में जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को बॉक्स एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक और बॉक्स शायद देखने को मिल जाएगा, मैं तो रेवेनेंट नहीं हूँ बट ये स्पेशल ऑफर सिर्फ रेवेनेंट के लिए ही आया है, तो शायद उनको एक और बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो मैं रेवेनेंट में चेंज नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिलहाल अपडेट के लिस्ट में ये वाला ऑप्शन दिया गया था, मतलब टेक्स्ट किया गया था कि ये वाला अपडेट इसमें आ रहा है, तो मैंने इसको भी डिस्क्राइब कर दिया मतलब बता दिया, ठीक है। यहाँ पर से आप लोग टोटल 4 टाइम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, आप लोग ले सकते हो, 5ों में से आप लोग का बाई लक जो भी निकलना रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक बेस्ट लगा कि आप लोग रेवेनेंट से अगर नहीं कर पाते थे तो यहाँ पे ये वाला टिकट स्टब इकट्ठा कर सकते हो और अपना गैदरिंग वाउचर या फिर जो ओनियन या फिर नींबू या फिर पोटैटो ये सब जो बाय करते थे हम लोग लिविंग डाउन डिस्ट्रिक्ट से, ये सब चीज़ें आप लोग बाय कर सकते हो। सेकेंड अपडेट की ओर बढ़ते गए, सेकेंड अपडेट में देख लेते हो
कौन सी अपडेट आने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो गाइस कि जैसे कि आप लोग बेनिफिट्स में जाते हैं तो बेनिफिट्स में यहाँ पे डबल ड्यूटी रिवॉर्ड आप लोगों को सबसे बेस्ट ये अपडेट लगेगा, क्योंकि डबल ड्यूटी पॉइंट आप लोगों को टोटल मतलब 15 सितंबर तक ये रहने वाला, ये जो अपडेट है 15 सितंबर तक डबल ड्यूटी रिवॉर्ड रहने वाला। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग कितना मास्टरी गेन कर सकते हो, मतलब हर कुछ में, एवरी मतलब एरिया ऑपरेशन, एवरी मिशन में आप लोग को डबल मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना गाइस कि ड्यूटी पॉइंट्स में मतलब मिलेगा। आई थिंक कि मुझको नहीं लग रहा है कि आप लोग को डबल ये मिलने वाला है, क्या बोलूँ, तो डबल आप लोग को मास्टरी नहीं मिलेगा, मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया उसके लिए सॉरी, आप लोग को डबल ड्यूटी पॉइंट मिलेगा। लाइक अगर आपको कोई मिशन में ड्यूटी पॉइंट 30 मिल रहा है तो आप लोग को डबल मतलब मिलेगा तो 60 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत करना, आप लोग को डबल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आप लोग को डबल ड्यूटी पॉइंट मिलेगा, जिससे आप लोग न्यू डॉलर कन्वर्ट कर सकते हो और न्यू डॉलर बहुत ही ज़्यादा आप लोग को गेन हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस तो यहाँ पे रेड पॉकेट आप लोग तो देखते हो, अगर कैम में ज्वाइन हो तो पहले क्या था कि हम रेड पॉकेट कोई भी कैम में भेजता था हम लोग को सेलेक्ट कर पाते थे, बट वो सीन अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा गाइस। आप लोग को मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मिशन से आओगे, यहाँ पे डेली अफेयर में चले जाना, डेली अफेयर में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे एक फॉर्टन बॉल करके एक नया इवेंट एडेड है या फिर पहले से एडेड आई डोंट नो, बट ये इवेंट को अगर आप जब ही करोगे तब आप लोग उसको कलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे ये मतलब इन गेम टाइम 19:30 में स्टार्ट होता है, मतलब अगर 11 सिटी की बात करें तो ये गाइस इंडियन टाइम के अनुसार 4 बजे शाम में स्टार्ट होगा ये इवेंट। तो आप लोग डेली पार्टिसिपेट करके रेड पॉकेट आप लोग ले सकते हो, जिसमें आप लोग गोल्ड बार, न्यू डॉलर और बहुत सारे स्किल्स पॉइंट आप लोग को देखने को मिल जाती है फ्री में। तो आप लोग ये सब पार्टिसिपेट कर लिया करो, अगर 4 बजे कोई प्लेयर खेलते हैं आप अपने सर्वर के अनुसार चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट में गाइस अगर आप लोग फार्मूला रिसर्च स्टेशन में जाते हो तो यहाँ पे आप लोग देखते ना इसकी रिसेंट स्पेशल रिसर्च का एक बटन ऐड कर दिया गया, जिसमें आप लोग लेवल एंड रिसेंट स्पेशल रिसर्च, आपने रिसेंट किस किस गन को मॉडिफाई किया या किस वेपन आर्मर किसको मॉडिफाई किया, वो चीज़ आप लोग यहाँ पर से ए टू जेड आप लोग देख सकते हो। लाइक यहाँ से आप लोग कुछ और भी चीज़ को देख सकते हो कि आप लोग का हाई जो सबसे हाई वाला जो मतलब स्टार्टअप वेपन है वो कौन सा है, सबसे डाउन में कौन सा है, तो आप लोग इसको इंक्रीज एंड ऐप कर सकते हो, मतलब एक फिल्टर लगा सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं, तो इसको फिल्टर लगा के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते गए नेक्स्ट अपडेट में, तो नेक्स्ट अपडेट में कुछ नहीं गए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर इस वीडियो में अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करना, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट्स लाता रहता हूँ और हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ इस आप मेरे इस छोटे से मेहनत के लिए आप लोग का एक लाइक एंड कमेंट एंड शेयर तो बनता है गाइज, एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया तो फटाफट से कर लेना। और इन गेम आपको कुछ भी लेना हो, लाइक होप फंड, मेंबरशिप, फेडरेशन फंड अभी नया है जो कि होप फंड का बेनिफिट दे रहा है, अगर उसका बेनिफिट भी लेना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, विद इन 5 मिनट के अंदर मैं परचेस करके दे देता हूँ, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग चेकअप करके फटाफट से आ जाओ गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि बाय, सी यू अगेन गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।